अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैम वालेकुम सलाम। कहाँ हैं सब लोग? अभी तक सिर्फ 18 बच्चों ने ज्वाइन किया है। पहले आपने 7 बजे का लिंक भेजा था ना, तो शायद हाँ, वो इसलिए। जब मैं अभी मीटिंग मैम ज्वाइन पहले ओपन कर रही थी तो मैंने कहा ये 7 PM क्यों आ रहा है, फिर मुझे पता चला कि मैंने मीटिंग शेड्यूल करते हुए ध्यान नहीं दिया और वो 7 PM से शेड्यूल कर दिया है उसको। चलिए बच्चों, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द नेक। जब एग्जामिनेशन ऑफ द नेक की बात आती है तो नेक में हमारे पास 3 मेजर एरियाज आते हैं जिनको हम एग्जामिन करते हैं। एक हमारे पास होता है थायराइड, दूसरा होती है नेक वेन्स, और थर्डली हम एग्जामिन करते हैं लिम्फ नोड्स को। सो ये क्या है? ये 3 चीजें हमारे पास आ जाती हैं नेक की एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं। हमने 3 डिफरेंट स्टेप्स इसके कवर करनी होती है, इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन इट मीन्स कि हमने उसको इंस्पेक्ट करना है। हम सिंपली क्या कहते हैं पेशेंट को, कहते हैं कि वो अपने नेक को एक्सटेंड करे। जैसे ही वो नेक को एक्सटेंड करते हैं तो हम नेक की दोनों साइड्स पे देखते हैं कि हमें कोई स्वेलिंग तो नहीं नजर आ रही, ठीक है, या फिर इंटीरियर टू द नेक, इंटीरियर टू द नेक मीन्स ट्रेकिया के इंटीरियर साइड पे या उसकी साइड पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर तो हमें कोई स्वेलिंग नजर आए, ठीक है, और हम अपने पेशेंट को कोई खाना दे, उनसे कहें कि हम आप स्वेलो करो, और जब वो स्वेलो करे तो जो आपके पास स्वेलिंग है वो अप मूव करे लेरेंजियल कार्टिलेज के साथ और डाउन, तो उसे हम कहते हैं इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। हम उसका साइज नोट करते हैं, ये देखते हैं कि यूनिलेटरली प्रेजेंट है या बायलेटरली प्रेजेंट है। ये तो था हमारे पास इंस्पेक्शन के अंदर, सिंपली उसको इंस्पेक्ट किया कि वो नेक की साइड पे कोई लार्ज मैस तो नहीं प्रेजेंट। अगर था तो हमने कहा जी हाँ, यहाँ पे तो हमारे पास
थायराइड ग्लैंड लार्ज्ड है? फिर सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, पल्पेशन का। हमने क्या करना, जो स्वेलिंग को पल्पेट करना होता है, फिर हमने पेशेंट को कहना होता है कि उसी तरह से वो दोबारा स्वेलिंग करे, और आपने अपनी फिंगर रख के तो पल्पेट करना होता है, और पल्पेट करते हुए आपने क्या कुछ नोट करना है। आप उसका साइज देखेंगे कि साइज नॉर्मल है, एनलार्ज तो नहीं फील हो रहा, कंसिस्टेंसी उसकी कैसी है, ठीक है, नॉर्मल है, टेंडरनेस तो नहीं है, यह हम उसको पल्पेट करके देखेंगे। और फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमने क्या करना है, ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, हम एक स्टेथोस्कोप की हेल्प से करते हैं। ऑस्कल्टेशन में हमने सिंपली स्टेथोस्कोप लेना होता है, और उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, जिसे हम बेल कहते हैं, उसको हमने जो है वो ग्लैंड के एरिया में रख के तो ऑस्कल्टेट करना है। अगर आपको मर्मरिंग से साउंड अगर आती है ना, मतलब ऐसे जैसे मर्मर्स आ रहे हैं, हॉलो सी साउंड और कुछ इस तरह की फीलिंग आती है मर्मर्स में, तो वो इंडिकेट करते हैं कि ये ब्रूट है। अब ये ब्रूट क्या होता है, अगर तो हाइपर फंक्शनल है हमारे पास, पर क्या हुआ, आवाज चली गई थी मैम, दूर से आ रही। अच्छा ठीक है, अब तो ठीक आ रही है ना इस टाइम? यस मैम, इस टाइम ठीक आ रही है। हाँ ठीक है, मैंने कहा नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं हैंड फ्री ही यूज कर लेती हूँ, इसमें फिर इश्यू नहीं होता। ठहरे एक मिनट। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने थायराइड की एग्जामिनेशन की बात की। मैं आपको आज एक वीडियो भी दिखाऊंगी आगे चल के, ये थायराइड की एग्जामिनेशन थी जिसमें हमने थायराइड ग्लैंड को इंस्पेक्ट करने की बात की, पल्पेट की, ऑस्कल्टेट की। उसके बाद आ जाती है नेक वेन्स। नेक वेन्स में सिंपल आपने क्या करना होता है कि पेशेंट को जो है उसमें आप ये कहें कि राइट, वो इतना हमारे वैसे फील्ड से रिलेटेड तो नहीं, जुगलर वेनस प्रेशर उसमें हमने देखना होता है, और हमने पेशेंट का हेड जो है वो 45 डिग्री एलिवेट कर देना होता है फ्रॉम द बेड, और वीनस पल्सेशंस नोट करनी होती हैं इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड पे, ठीक है। तो वो इसको बस इतना सही देख लीजिएगा, बेड साइड टेक्निक में लिखा होगा, रीड कर लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं लिम्फ नोड्स की तरफ। लिम्फ नोड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। अब हमने ये जो इतने सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास लिम्फ नोड्स के, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, अच्छा लिम्फ नोड्स या जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में क्या नोट कर रहे हैं, सिंपल साइज, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, ये सारा कुछ देख रहे हैं। लिम्फ नोड्स की जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं जी सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, एंड लिम्फ नोड्स ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल। अच्छा जी, और देखें आगे क्या है हमारे पास। उसके बाद कह रहे हैं, अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ एक, उसके बाद एक्सिला आ जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स आ गए, ठीक है, और फिर ग्रोइन के रीजन के आ गए। बच्चों अगर आपको वीडियो की आवाज ना आई तो उसके सबटाइटल्स देख लीजिएगा। Thank you.
देख लें सब ऑक्सीपिटल की लोकेशन प्रोएंट
जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ लिम्फ नोड्स. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वीडियो देखी सब लोगों ने? यस मैम. यस मैम देखी, लेकिन वॉइस नहीं. क्या मसला था? लेकिन बच्चे क्या प्रॉब्लम था आवाज का? आवाज नहीं थे लेकिन सब टाइटल्स समझ आ रही थी. लेकिन बेटा सब टाइटल्स तो नीचे आ रहे थे ना, मुझे नहीं पता. मैं तो स्क्रीन शेयर करती हूँ, आई डोंट नो ऑडियो क्यों नहीं साथ शेयर होती, लेकिन वो नीचे सबटाइटल्स सबटाइटल्स. तो फिर कुछ पता चला? पहले वो स्टार्ट जब करता है तो वो हमारे पास जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनसे वो स्टार्ट करता है. वो जो ग्रुप्स है हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के, पहले वो सारे आपको लोकेट करके बताते हैं कि ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है? और उसके बाद वो बारी बारी उनको पल्पेट करता है. सबसे पहले उसने ऑक्सीपिटल ग्रुप को पल्पेट किया, फिर प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर को किया, फिर सब मैंडिबुलर को उसने पल्पेट किया, उसके बाद वो सब मेंटल पे आया, और एट द एंड उसने जो है वो जाके हमारे पास इंटीरियर जो पोस्टीरियर ट्राइंगल थी नेक की, उन लिम्फ नोड्स को पल्पेट किया. तो ये आप लोगों को पता चला या मैं भी वीडियो में दोबारा दिखाऊं? जी बच्चों, ये पता चला था आप लोगों को जब वो पल्पेट कर रहा था? मैम चल गया पता. चले मैं एक दफा ना दोबारा भी दिखा दूंगी. और उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे आ गया. उसकी मुझे जो है ना वो सीक्वेंस भूल गया क्योंकि मैंने पहले वीडियो देखी थी. उसकी एक्सिलरी में पता नहीं क्या उसने सीक्वेंस लिया है, सेंट्रल किया, और सेंट्रल से पहले उसने याद नहीं आ रहा, शायद पहले इंटीरियर ग्रुप किया है, फिर पोस्टीरियर ग्रुप किया, और फिर मेरे ख्याल सेंट्रल किया है, फिर एपिकल भी शायद साथ ही किया था. चलें जी एक दफा दोबारा वीडियो देखते हैं, वहां पे मैं एक दो पॉइंट पे एम्फेसिस करना चाह रही थी लेकिन उस टाइम कर नहीं सकी. ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स वो कर रहा था पल्पेट, ठीक है. नेक्स्ट पोस्ट ऑरिकुलर है, ये प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स पल्पेट कर रहा है. यहाँ पे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स पल्पेट कर रहा है, और एंड पे सब मेंटल होता है बिल्कुल चिन के पास. ये अब इंटीरियर ट्राइंगल के लिम्फ नोड्स है. यहाँ पे वीडियो में वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहती है. वो कहती है कि अगर कोई लिम्फ नोड आपको पल्पेट होती है तो इट मींस कि वो इलाज है. जब तक लिम्फ नोड इलाज ना हो वो पल्पेट नहीं होती. ये वो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में पल्पेट कर रहा था. Thank you.
अभी इंटीरियर ग्रुप को कर रहा है फिर फ्रिज अब सेंट्रल एंड अब पोस्टीरियर अब ब्रेकियल ग्रुप को पल्पेट कर रहे और इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रोइन की जो लिम्फ नोड्स है उनको पल्पेट करेगा ग्रोइन की लिम्फ नोड्स क्या होती है बिल्कुल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट के एरिया में ही होती हैं जी बच्चों तो हमने अभी जो वीडियो देखी हमने उसमें लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना देखा जिसमें कहां कहां की लिम्फ नोड्स थी हमने नेक के लिम्फ नोड के 6 ग्रुप्स को पल्पेट करना देखा उसके बाद हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के 4 ग्रुप्स थे उनकी पल्पेशन देखी जिसमें इंटीरियर पोस्टीरियर और एपिकल ग्रुप था ठीक है आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज किधर चली गई मेरी अब तो आ रही है ना मैं बोल नहीं रही थी आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो लिम्फ नोड्स वाला काम है तो मैंने एक दफा दिया था आप लोगों को करने को याद है मैंने कहा था आप लोग वीडियोस देख के आएंगे इसकी स्टार्ट की बात है बिल्कुल यस मैम हाँ तब देखी होंगी और आज भी देखी तब तो पक्के से समझ आ गई होगी Yes, ma'am. चलें जी किसी से पूछते हैं शहताज बाजवा शहताज बाजवा सैयदा मिनाल फातिमा शानजा बच्चे ने आज शायद मीटिंग छोड़ दी है सुनते ही कि मैडम सुनने लगी है कुछ नंबर कम होता जा रहा है ड्रॉप होते जा रहे हैं बच्चे वर्दा लियाकत वर्दा शबीर जरीना जुनैर रेहा राफिया राहिला ताबिंदा बुरहान अजका असद आमिना अली सईद मिस आप अटेंडेंस ले रही हैं आपकी आवाज कम आ रही है अक्सा मैम आपने पूरा नाम लिया बेटा अक्सा तो मैंने लिया ही नहीं अटेंडेंस तो मैं ले ही नहीं रही मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि कितने लोग हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं और कितने गायब हैं जी मिस मौजूद है मिस आवाज बहुत कम आ रही है मैम नमस्कार मैं भी हूँ मैम हमें लगा क्वेश्चन करने लगी आप अली सईद भी मैम बेटा आपने आगे से कहना तो था ना कि हम प्रेजेंट हैं बच्चे बहुत ही बुरी बात है ये वैसे क्या टीचर को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि टीचर मैम फिर हम क्वेश्चनिंग से भी डरते हैं ना मैम आपकी आवाज ना आ रही मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है
यस मैम जी बच्चों मैं आपसे पूछ रही थी कि आप लोगों ने भी कोई इंटरनेट इशू आज फेस किए है? नो मैम मैम हमने किया है बहुत कट रही थी हमने किया है आवाज कट रही है बहुत ऐसे इंटरनेट के अलावा लाइट का भी बहुत इशू है आज आज एक कलीग थी मेरी वो क्लास ले रही थी और पता नहीं कितनी दफा वो ना तो यूनिवर्सिटी का इंटरनेट चल रहा था फिर उनको मोबाइल डेटा पे जी मैम मैम अभी भी आपकी आवाज नहीं सही है मेरी आ रही बहुत ज्यादा कट रही है बजट आना ना इसलिए मैं प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स आप हमें देंगी इस बजट आए कैसे जो बी नेशन आज अच्छा ये नोट्स मैम आवाज एग्जाम कोर्स देख मैम आपकी समझ आपकी आवाज कट गई है सर तो आप मुझे सुन सकते हैं मैम आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा आवाज कट रही है ये आवाज Can you hear me or not? मैम आपका आवाज आ रही है। Yes मैम, आ रही है आवाज। मैम आ भाई आपकी आवाज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा बच्चों मैं कह रही थी कि हमने जो है वो आज लिम्फ नोड्स को डिस्कस किया। एंड पे आएगा कि फुट की एग्जामिनेशन आएगी उसमें वही हैंड वाली चीजें आप क्लबिंग कोलोनिकिया साइनोसिस देखेंगे लॉस ऑफ हेयर शाइनी स्किन एडिमा ठीक है एडिमा के केस में आपको पता क्या करना है फुट की डॉर्सल सरफेस को आप चेक करेंगे एडिमा के लिए मिडिल मैलस के पीछे आप देखेंगे ठीक है ओवर द शिन एरिया अगर कोई पेशेंट जो है वो बेड रिडन है तो उसके केस में हम सैक्रम के ऊपर देखते हैं एडिमा को ऑलवेज कंपेयर द टू साइड्स तकरीबन आप 5 सेकंड्स के लिए अपना जो है थंब को प्रेस करके रखते हैं उस एरिया में अगर एडिमा प्रेजेंट हो तो वहां पे एक पिट बन जाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अगर तो वो नॉन पिटिंग एडिमा हो तो फिर फिलअप हो जाता है
कुछ देर स्टे करने के बाद। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि आप सब लोग डीपीटी के हैं? यस मैम, डीपीटी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये जो आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस की असेसमेंट है ना, ये मुझे नहीं पता कि हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, इसको छोड़ दें। अब मेरी बात सुने, प्रेजेंटेशन का जरा ध्यान से सुन ले। नेक्स्ट वीक से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है, शेड्यूल में आज या कल मैं भेज दूंगी। सब लोग जो है ग्रुप्स बना के ना, सब लोग प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करेंगे। प्रेजेंटेशन बनानी किस तरह से, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपका एससीपी टू का मेन टॉपिक है, ठीक है? तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कोई भी एक पेशेंट लेना है घर से, ठीक है? और उस पर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है। उसके सारे एरियाज आप इसी तरह से एग्जामिन करेंगे फिजिकली, जिस तरह से आपको बताया गया है, और उसकी केस रिपोर्ट प्रिपेयर करके आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? अब वो जितने भी लोग हैं, मैं मिलके प्रेजेंट करेंगे, हर एक इंडिविजुअल से थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैं पूछ लूंगी, और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से, और बस, और आप लोगों को फिर मार्क्स दे दिए जाएंगे उसके बाद। स्टूडेंट का पेशेंट अपना होना चाहिए या ग्रुप का, पूरे का एक होगा? पूरे ग्रुप का एक पेशेंट होगा। फिर उसके बाद क्या जरूरी बात थी, मेरे माइंड से स्किप हो गई, लॉग बुक्स। हाँ, एक दफा वो परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। मैंने ना आपकी एलएमएस पे अपलोड किए हैं, जहाँ पे लेक्चर अपलोडेड है ना, उसी लिंक पे आपको जो है वो ये परफॉर्मेंस भी अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है? और ये जो परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है वही सेम ही होंगी जो आपकी लॉग बुक के एंड पे। एक दफा उसको कंपेयर कर लीजिएगा कि सेम ही है। आपने हमें मैम, जो आपने हमें मेल में भेजा हुआ है ना परफॉर्मा, वो उसमें फेस वगैरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? जो आपने लॉग बुक में डाले हुए ना, उसमें फेस और नेक वगैरह इन चीजों का भी, आपने जनरल अपीयरेंस का भी पूछा हुआ है? लॉग बुक में पूछा हुआ है, और जो ईमेल में भेजा है उसमें नहीं है? नहीं मैम, उनमें नहीं है। जो आपने रिकॉर्डिंग्स में सेव किए हुए ना, उनमें नहीं है। अपनी मर्जी से दी है बेटा? क्या मतलब अपनी मर्जी से दी है? सारा कुछ टीचर की मर्जी से हो रहा होता है जी। मैम आप समझ नहीं रही मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है ना, एक प्रेजेंटेशन हमें ये डिपार्टमेंट अलॉट करता है एससीपी की। ये वही है, ये वही है। चलो ठीक है जी, ये वही है। ओके मैम, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ग्रुप्स आप बना रही हैं या हमने खुद बनाने हैं? बेटा ग्रुप आप नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगी। मैम आपको ग्रुप बना के ग्रुप की लिस्ट सेंड कर दें। बेटा आप लोग ग्रुप बनाएंगे तो मेरे लिए बहुत मसला होगा। आधे बच्चे कहेंगे जी कितने बच्चे ग्रुप में आएंगे ही नहीं, तो फिर वो जो रह जाएंगे उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा कि कौन से बच्चे रह गए हैं? हम अपना ग्रुप बना लेते हैं, बाद में लिस्ट जो है आपको सेंड कर देंगे। और जो बच्चे, मुझे पूरे 146 बच्चों की लिस्ट चाहिए, ठीक है? फिर जी आपको 146 की मिलेगी मैम। ओके मैम, मैम जो रह जाएंगे तो वापस में ग्रुप बनाएंगे 146 पूरे करने के लिए। जी क्या कह रही हैं आप मैम? जो बच्चे मैम सब ग्रुप बना लेंगे, जो बच्चे रह जाएंगे तो उनके वो खुद आपस में बना ले, जो किसी के साथ ऐड नहीं होंगे। चलें ठीक है, फिर ऐसा करेंगे। मुझे कब तक भेजेंगे आप? बेटा मैंने आज रात लिस्ट बना के आप लोगों को वापस भेजनी है। अच्छा नहीं, ग्रुप्स तो आप लोगों ने खुद बनाने हैं ना जी? हाँ, मैम ये तो हम कह रहे हैं। तो फिर मेरे एंड से तो काम है ही नहीं, क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया कि आपका टॉपिक है, ठीक हो गया। लेकिन ग्रुप की मैम क्या आवाज कट रही है बेटा? आज क्या करें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज, जो आवाज कटने वाला इशू आ रहा है। अच्छा अब मैं ये कह रही थी, लेकिन बताना तो मैंने है ना कि कौन सा ग्रुप किस दिन प्रेजेंट करेगा, ठीक है जी? वो आप तो वो मैंने आज ही बताना है आप लोगों को, ठीक है?
मैम एक दो दिन का टाइम दे, हम 146 को कंपाइल करने में भी टाइम लगेगा। मैम आप नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, तब तक हम दे देंगे आपको। मैम आपको नेक्स्ट क्लास में ना हम आपको सारी लिस्ट सेंड कर देंगे क्लास में एंटर होने से पहले, क्योंकि मैम अब बहुत लेट हो गया, तो इस टाइम ना अगर हम ग्रुप बना लेंगे तो लिस्ट बनाने में टाइम लगेगा। अच्छा बच्चे रुक जाएं, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन तो ट्यूसडे से लेनी शुरू करनी है, या तो फिर वॉलंटियरली 3-4 ग्रुप उस दिन प्रिपेयर करके आए, क्या ख्याल है आप लोगों का? मैम अब हमें टॉपिक कब तक असाइन करें? लेकिन काइंडली प्रेजेंटेशन का थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें कि हमने किस तरह की स्टडी एक पर्सन के ऊपर बनानी है, या वीडियो ऑन करके बनानी है, या किस तरह करनी है? नहीं बेटा वीडियो ऑन करके नहीं बनानी, प्रेजेंटेशन बनाई होगी, उसमें सारी आपने लिखी होगी केस स्टडी क्या थी, आपने उसके मैम आपकी आवाज ड्रॉप कर जाती है बीच में। हम पूरा एक पेशेंट का पूरा उस तरह से पूरा बना लेंगे एक केस, ठीक है, जिस तरह से लॉग बुक के एंड में परफॉर्म है उसमें सारी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी हेड टू टो तक सारी आ जाएंगी, तो उसी को हम प्रेजेंट कर देंगे, मतलब स्लाइड में कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट कर देंगे। मैम एक्चुअली असाइनमेंट टॉपिक से बता दें दोबारा। बच्चे मेरी आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या बताऊं, आ रही आवाज की नहीं आ रही मैम? आ रही है, बीच में कभी कभी ड्रॉप कर जाती है। एक दफा जरा गौर से सुनिए, पता नहीं आज घर में वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से मोबाइल डाटा प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज मैं वाईफाई पे क्लास लेती हूँ। अब मेरी बात सुनिए, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपका प्रेजेंटेशन बेस करेगी, एक घर से आप पेशेंट लेंगे, उसकी प्रॉपर आप जितना आपके पास ये परफॉर्मा का पैटर्न है ना, जिसमें फेस जनरल फिजिकल अपीयरेंस मूवमेंट सारा कुछ, वो आप उसमें ऐड करेंगे, लिखते जाएंगे जैसे हम पेज पे लिखते हैं, फिर उसी लिखे हुए को आप ट्रांसफर कर देंगे अपनी स्लाइड्स पे, और वो स्लाइड्स मुझे आके सुनाएंगे अपने क्लास में, ठीक है? यस मैम, क्लियर हो गया, बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। मैम सब एक-एक टॉपिक ले लेंगे फिर उसको क्लास में से। मैम मैम आपने कहा ना कि हम लोग अपना सारा जो है लिखते जाएंगे, उसके बाद जरा दोबारा रिपीट करते हैं, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी बेटा, उसको आप स्लाइड पे शिफ्ट करेंगे और प्रेजेंट कर देंगे। और मैम कितने ग्रुप मेंबर्स हैं, मिनिमम या मैक्सिमम? ओहो ये तो मैं आपको बताया ही नहीं। नहीं नहीं बच्चे ठहरे, 146 है ना, अगर हम बेटा ऐसा करें आप ना मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मेरे सुबह से 3 लेक्चर थे, I was too busy। मैं आप लोगों को ईमेल में बता दी कितने बच्चों का ग्रुप होगा और कितने टाइम की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है? मैम यस मैम, आप हमें कल तक बता दीजिएगा कि ट्यूसडे से स्टार्ट है कि नहीं, ठीक है? ओके मैम, एक ग्रुप में एक केस होगा जी। बच्चे मैं कर देती हूँ, एक ग्रुप में एक ही होगा टॉपिक। मैम बस आप ना सारी डिटेल पे ईमेल पे हमें सेंड कर दें आप लोग ग्रुप। अच्छा ठीक है ओके। मैम टॉपिक्स आप बताएंगी? बेटा मैं बड़ी देर से बता चुकी हूँ, अब दोबारा रिपीट नहीं कर रही, काफी देर से मैं टॉपिक्स ही बता रही हूँ। मैम लॉग बुक के बारे में ना एक क्वेश्चन है, डे 3 के बारे में, मैम आपने खोली या प्लीज डे 3 पे ले जाएंगे आज? जी बेटा क्या पूछते हैं? मैम अब हमारे जो है ये डेज खत्म हो गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये प्रेजेंटेशन ही चलेंगी ना, और उसके बाद लॉग बुक सबमिट होगी? नहीं बेटा प्रेजेंटेशंस चलेंगी, और जहां मैं कोई वीडियो फील किया करूंगी मैं आपके साथ वीडियोस अभी शेयर करूंगी, हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, जो जो वीडियोस पेंडिंग है ना वो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी आगे आगे, ठीक है? ओके मैम। मैम ये जो डे 3 में जैसे नेम एज और बाद में फेस में सिमेट्री, मैम ये हमने फिल करना है, क्योंकि जो 7, 8, 9 डेज है ना उसमें भी यही चीजें हैं जो डे 3 में है, तो ये हमने फिल करनी है, मतलब अगर किसी को साइनोसिस है तो हमने अब आगे डेफिनेशन लिखनी है, या फिर यस और नो में लॉग बुक फिल करते हुए लिखना, अब बी परफॉर्मा में नहीं इस डे पे। बेटा
एडिट टैब इसके आगे डेफिनेशन ही लिखे लिखना है हमने जी। रेपिटेशन किस दिन के साथ है मैम? 7-8-9 डेज में, क्योंकि इसमें भी ये मैम लिंक नोट्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो उनमें भी आ रहे हैं। और ये क्लबिंग सर एक दफा यहाँ पे लिख दे, आगे फिर ना लिखें, यहाँ लिख दे आगे ना लिखें ये। लेकिन मैम इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, यानी सिमेट्री है और पैरोटिड ग्लैंड है, इस तरह के वर्ड्स हैं, तो उसको भी हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे या उनको रहने दें, जिनकी उनको रहने दें। ठीक है मैम। मैम देखे ना, जैसे एक वर्ड आया था पाल्मर स्वेटिंग है, तो पाल्मर स्वेटिंग की हम मतलब क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसको लीव कर दें। ठीक है, उसकी ना लिखें। थैंक यू मैम। जो आज टेस्ट पढ़े उनको भी फिल करना है हमें। बेटा देखने दे मुझे। नहीं बेटा इसमें तो कुछ नहीं फील करने वाला, इसको रहने दे। ओके अल्लाह हाफिज। मैम आपने डे 8 का बोला ना? जी मैंने डे 8, जी जी डे 8 का कहा है मैंने। मैम हमें ये बता दें 5 मेंबर्स होने चाहिए एक ग्रुप में आपको खुद बना लेंगे तो मुझे जरा सोच लेने दें कितनों का बनाना है। ठीक है फिर मैं आपको ईमेल में बताती हूँ। मैम काइंडली एक बच्चे को अलॉट कर दे ताकि हम सब कुछ डेटा उसी को सेंड करें। मैं अब किसको कहूँ, आप लोगों ने अब खुद अब लिया है। मैं ही कर लेता हूँ मैम। मैम ग्रुप बनाओ, वो ग्रुप के एडमिन को बोल देंगे। मैम हम लोग कर लेते हैं, मैं कर लूंगी, मैं करके भेज दूंगी आपको। पद्मा के अलावा कोई भी कर ले। ओके जी बच्चों फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। पता चला कि अजान ब्रेक ही हमने की अपनी बातों में, आप लोगों ने भी नहीं कहा कि मैडम अजान हो रही है। मैम अभी नहीं हुई बच्ची, अभी कैसी नहीं हो रही है, हो चुके हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे पता नहीं चला, तो आप लोगों ने भी नहीं बताया। मैम हम ये खत्म करने लगे क्लास। खत्म तो करना था लेकिन नमाज, अजान की ब्रेक तो लेनी होती है ना बीच में, जब अजान हो रही हो तब तो नहीं ना बोलते, बहुत बुरी बात होती है अजान होते हुए अगर हम बातें करें तो। चले अल्लाह ताला हमें माफ करे। जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना तो मेरा नेट डिसेबल आ रहा था, तो मैंने लेट जॉइन किया था, तो मेरी अटेंडेंस का लग जाएगी ना? जी लग जाएगी। थैंक यू मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग काइंडली सेंड कर दीजिएगा एलएमएस। जी बच्चे मैं कोशिश करती हूँ कि आज ही कर दूँ। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।